गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर पलासे चौराहे स्थित नए कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक रमेश मेंदुला, आईजी नारकोटिक्स डीजी पांडे, डीआईजी शहर हरिनारायण चरण मिश्र, कलेक्टर मनीष सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे। डीआईजी के मुताबिक इमारत को करीब 8 करोड़ की लागत से पुलिस हाउसिंग द्वारा तैयार किया गया है। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, ट्रेनिंग हॉल, फैमिली काउंसलिंग सेंटर बलवा ड्रिल उपकरणों का स्टोर, बीडीएस कक्ष, ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर, RLVD सिस्टम, मॉनिटरिंग सेंटर के साथ पुलिस वैज्ञानिक यूनिट, FSL, फिंगरप्रिंट और फोटो शाखा जैसी शाखा महत्वपूर्ण शाखा भी इसी जगह शिफ्ट की गई है। गृह मंत्री ने विजयनगर थाना TI तहजीब काजी और सिपाही लोकेश गांधे, संजीव धाकड़, राहुल जाट को राष्ट्रपति जीवन रक्षा पदक से भी सम्मानित किया है। इंदौर से राकेश सच्चर की रिपोर्ट। उस लॉकडाउन पीरियड में मेरे पास स्वास्थ्य विभाग नहीं था, चूंकि शुरुआत इंदौर से हुई थी इसलिए बहुत नजदीक से इंदौर का अध्ययन कर रहा हूं। सच में आप और कलेक्टर साहब जो मेहनत कर रहे थे वो ठीक थी, लेकिन हमारे कॉन्स्टेबल ने भी लॉकडाउन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी नर्सिंग जो डॉक्टरों ने भी इस संकट के काल में जो मेहनत की है, पुलिस के जवान भी और पैरामेडिकल स्टाफ का भी। मंत्री महोदय, मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, विधायक श्री रमेश मंदोला जी, आईजी साहब, कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी, गौरव जी, श्री मधु वर्मा जी, यहाँ उपस्थित पुलिस परिवार के सभी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।